मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के निर्देशानुसार आड्रे हाउस में 1 से 2 मार्च तक 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची के विभिन्न स्कूल एवं कॉलेज के बच्चों के बीच पेंटिंग, रंगोली, क्विज, संगीत, नाटक इत्यादि की प्रतिस्पर्धा कराई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के प्रति युवा वर्ग को जागरूक और शिक्षित करना है। कार्यक्रम में मॉकपोल के द्वारा भी युवा वोटरों के बारे में, मतदान प्रक्रिया के बारे में पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी जा रही है। वही अधिकारी फैमिली वोटिंग की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव किसी समय में अनाउंस होगी। हम लोग एक हफ्ता नहीं, मतलब 2 हफ्ता में हम लोग का सूचना प्राप्त हो जाएगी। उसका तैयारी में सभी इन्वॉल्व होना है। केवल इलेक्शन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन का कार्यक्रम नहीं। भारत में कितना भी 18 उम्र को ऊपर का है, सभी व्यक्ति मिलकर एक मनाने वाला एक पर्व है। अभी आप लोग भी लोगों देखा होगा, एक चुनाव का पर्व है, सब मिलकर काम करना है। इसमें बहुत बिंदु पर दोनों अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लोग बताया है। उसमें इसी बार आप लोग चुनाव के जाने के समय में, वोटिंग के लिए जाने के समय में अकेले नहीं जाना है, परिवार का सबको लेके जाना है। एक फैमिली का आउटिंग के तरफ से इसी बार चुनाव में वोटिंग के लिए जाना है। देखिए, आज के दिन में मतदान के लिए सभी वर्गों को प्रोत्साहित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चाहे 18 साल के बच्चे हों, 30 साल के हों, 40 साल के हों, 60 साल के हों, 75 साल के हों, किसी भी एज ग्रुप के लोग अगर हैं तो सभी को एक अलग किस्म के प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। हम शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन सभी की अलग मानसिकताएं होती हैं। अभी तक यह देखा गया है कि चुनावी दिनों में उनकी इच्छा बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलने की नहीं होती है, और जिसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत हमेशा से अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम पाया जाता है। तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि शहरी क्षेत्रों में चुनाव की प्रक्रिया को बिल्कुल एक त्यौहार का रंग रूप दें। हर जगह से चुनाव की ही बातें होती रहें। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, मॉल्स में काम करने वाले हर लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ चुनाव से ही संबंधित बातचीत होती रहे। तो इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है अगर पूरे समय इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन पूरे शहर में, उदाहरण के रूप में अभी स्कूली बच्चों के द्वारा रंगोली कंपटीशन, चित्रकारी कंपटीशन, नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि स्कूल के बच्चों के बीच में चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उनमें बढ़ेगी तो वो अपने माता पिता, अपने नाते रिश्तेदार, अपने दोस्त, जो भी 18 साल के ऊपर जा रहे हैं, तो उसका दो फायदा होगा। एक तो ये है कि वो अपने घर में मतदान के योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, और खुद भी जब वो 18 साल की आयु सीमा को पूरा करेंगे तो खुद पहले दिन से ही मतदान के प्रति उनका रुझारूपन अच्छा बना रहेगा।